फिजिक्स क्लास 11 मोशन एंड फोर्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 4 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद 3 पे आते हैं। सो 3 के जो मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं उनमें 4 न्यूमेरिकल हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 0.4 केजी बॉल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल एंड रिबाउंड इलास्टिकली। If the ball is in contact with the wall for 0.045 second, what is the momentum imparted on the ball and what is the average force? So, आपके पास numerical number 4 ये है कि एक बॉल है जिसका मैस आपके पास 0.4 kg है, वेलोसिटी उसकी है 15 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है जो जब वो स्ट्राइक कर रहा है बॉल पे तो वो 0.045 सेकेंड है। आपने फाइंड आउट करना है मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन वॉल। सो जो डेल्टा पी है मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन वॉल, वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला इज यू नो कि एम वी होता है, तो इसमें हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। सो जो फाइनल वेलोसिटी है वो वॉल से स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो रही है, तो हम इसमें माइनस वी लिखेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी हम वी लिखेंगे, तो ये माइनस एम वी, तो ये -2 mv हो जाएगा। एंड यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, एम की वैल्यू जो है आपके पास 0.4 है और वी की वैल्यू आपके पास 15 है, तो यू विल गेट द आंसर। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा, जो कि मोमेंटम का यूनिट है। तो मोमेंटम का यूनिट आपने फॉर्मूला और यूनिट बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ओके, तो माइनस आप लोग लिखे ना लिखे, वो जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन को, तो बाकी लिखे ना लिखे की बात है। देन आप आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि आप एवरेज फोर्स निकालें। तो इसी चैप्टर में मोमेंटम और फोर्स का जो रिलेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, राइट। सो मोमेंटम का जो अभी हमारे पास आंसर आया है वो आया है 12, और टाइम जो दिया हुआ था वो 0.045 सेकंड था, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 266.7 न्यूटन। सो ये एवरेज फोर्स आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था। न्यूमेरिकल 4 के बाद जो मैंने सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो है न्यूमेरिकल नंबर 5। वन बॉल ऑफ मैस आपके पास है 0.6 केजी ट्रेवलिंग विद 9.0 मीटर पर सेकेंड टू द राइट कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विद सेकेंड बॉल ऑफ मैस दिस विद स्पीड दिस टू द लेफ्ट। ओके, तो एक राइट की तरफ जा रही है, दूसरी लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो दोनों में माइनस का फर्क होगा। आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज। सो आपने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का टॉपिक किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं। तो आपके पास टू बॉल्स हैं जिनके पास जिनका मैस जो है वो 0.6 केजी है। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। जो मैस है सेकेंड बॉल का वो है 0.3 केजी, और जो वेलोसिटी है सेकेंड बॉल की वो 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम माइनस लेंगे बिकॉज क्योंकि ये राइट की तरफ जा रही है और ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो आप किसी एक के साथ माइनस लाजमी लिखेंगे बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। आपने इनकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज निकालनी है v1 एंड v2। अगर आपने टॉपिक की डेरिवेशन की है तो टॉपिक में जो डेरिवेशन के पास फॉर्मूला है v1 का वो है m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 u1 और +2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो इसमें आप m1 u1 m2 u2 सब पुट करेंगे जो ऊपर डेटा गिवन है, u2 की वैल्यू माइनस के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका -2.33 मीटर पर सेकेंड v1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप v2 निकालेंगे तो v2 के लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप वैल्यू खुद सब्स्टिट्यूट कीजिएगा उसमें, m1 - m2 over m1 + m2, और यहां पे जो आ जाएगा वो u2 आ जाएगा। आपने फॉर्मूला एक दफा
बुक से कंफर्म कर लेना है ताकि कोई गलती हो तो वो आंसर रॉन्ग ना हो. तो आपने यहां से V2 कैलकुलेट कर लेना है वैल्यू पुट करके. सो इट्स वेरी इजी. इसके बाद हम लोग जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 दोनों इंक्लूड हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं. एज यू नो के प्रोजेक्टाइल मोशन काफी अर्से से पास्ट पेपर में आता रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इन अ वेल्डिंग अ बुलेट इज फायर्ड, सॉरी इन अ वेल्डिंग अ बुलेट इज फायर्ड इन एयर एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम एन AK-47 राइफल. आपने उसकी हाइट निकालनी है, टाइम निकालना है और हाउ फार इट विल गो और रेंज निकालना है. तो आपके पास एक बुलेट है न्यूमेरिकल नंबर 6 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 500 मीटर पर सेकंड, एंगल वो बना रही है 60 डिग्री एंड यू नीड टू फाइंड हाइट. सो हाइट का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप ड्राइव करते हैं वो है VI² sin² θ/2g, राइट. तो आप इधर वैल्यू पुट करेंगे, वी आई की जगह 500 का स्क्वायर, साइन थीटा की जगह आ जाएगा 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 9.8. आप साइन 60 की वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर से, देन उसका स्क्वायर लेंगे, राइट. बहुत से बच्चे ये करते हैं कि साइन 60 का स्क्वायर ले रहे होते हैं देन साइन ले रहे हैं, ये गलत है. साइन 60 की वैल्यू लेंगे देन उसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो योर फाइनल आंसर शुड बी 9566.3 मीटर. ये आपके पास हाइट आ जाएगी, राइट. जब आप आते हैं इसका पार्ट बी पे, पार्ट बी में आपने टाइम कैलकुलेट करना है. तो टाइम का फॉर्मूला है 2 VI sin θ/g. तो 2 VI की जगह 500 आ जाएगा, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री/g, राइट. तो 2 × 500 is 1000. साइन 60 जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो 0.8660, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखेंगे और 9.8 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो 88.4 सेकंड आंसर आ जाएगा टाइम का. एंड लास्ट रेंज आपने निकालनी है. सो रेंज का फॉर्मूला है VI² sin 2θ/g. इसमें जो एंगल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उन्होंने तो अंदाजा होगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है. बायो के स्टूडेंट्स काफी बार इसको स्क्वायर लिख देते हैं. तो आपने VI की वैल्यू पुट करनी है 500 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 60 और जी की जगह 9.8, राइट. तो आपके पास 500 का स्क्वायर आपके पास 25 40 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद साइन 120 बन जाएगा. तो आपने इसका स्क्वायर नहीं लेना, आपने एंगल को मल्टीप्लाई करवाना है, राइट. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सॉल्व करेंगे तो 25 0.8660 आ जाएगा. आप इसको 9.8 से डिवाइड करवाएंगे तो योर फाइनल आंसर शुड बी 22091.8 रेंज आ जाएगी. जल्दी से हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ जाते हैं बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है. तो न्यूमेरिकल नंबर 7 इज सिमिलर टू 6. द कैटापुलेट हर्ल्स अ स्टोन ऑफ मैस दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, आपने उसका मैक्सिमम हाइट टाइम एंड रेंज निकालना है. तो कीप इन माइंड कि इसमें मैस भी दिया हुआ है लेकिन मैस का कोई रोल नहीं है. आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 में 32 किलोग्राम मैस दिया हुआ है, वी आई है आपके पास 50 मीटर पर सेकंड और थीटा 30 है. तो ये यूजलेस है, इसको आपने यूज नहीं करना. आपने अगेन हाइट निकालनी है. हाइट का फॉर्मूला क्या था, VI² sin² θ/2g. तो आप इसी तरह VI की वैल्यू 50, थीटा की जगह 30, वैल्यू साइन लेके स्क्वायर लेंगे, 2g से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा. टाइम आपने फाइंड आउट करना है. सेकंड चीज, टाइम का फॉर्मूला आपके पास वही 2 VI sin θ, ये भी आप सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे. और आखिर में रेंज, रेंज का फॉर्मूला VI² sin 2θ/g. सो इस तरह आप लोग चैप्टर नंबर 3 के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तैयार करेंगे.